कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, तुम अपने घर को जाओगे, हम अपने घर को जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जाने नहीं देंगे आपको। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप CUT PG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी एग्जाम मार्किंग स्कीम क्या है। तो जी आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना, तो चलिए आज इस वीडियो में हम बताते हैं आपको CUT PG एग्जाम स्कीम के बारे में। तो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ खुल जा सिम सिम वाला। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये देखिए, और आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ था मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, यानी कि किस क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स आपको मिलने हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं आपके मन में। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ईच क्वेश्चन के लिए कितनी मार्क्स जो है वो कैरी होंगे, तो ईच क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हो मार्किंग स्कीम है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो भाई यहाँ पर 4, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितने हो जाएंगे फटाफट से बता दीजिए। तो भाई ये तो 400 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। तो भाई अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आते हो तो आपके तो नंबर 400 बन जाएंगे। ओके, तो अगर आप करेक्ट करते तो उसके लिए 4 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आप गलत करके आते हो तो यहाँ पर आपको क्या है, 1 मार्क्स विल भी क्या हो जाएगा आपका डिडक्टेड हो जाएगा। यानी कि यहाँ तो भाई सिंपल सा पता लग गया कि अगर मैं एक क्वेश्चन गलत करता हूँ तो उस पर क्या है हमारा 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स हमारा कट जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है, अनआंसर्ड, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जिसका आंसर नहीं दोगे या उसे अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसका कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ये भी होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। टू आंसर आ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज 1 ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप सभी को पता है क्वेश्चन कैसे होंगे हमारे, MCQ बेस पर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो MCQ पर होंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना होगा। हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की, इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आर चेंज इन की, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्ट इट करेक्टली एज पर द रिवाइज आंसर की विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। कहने का मतलब यह है कि कुछ साथी जो हैं कर आते हैं, मान लीजिए मैंने ये ऑप्शन लगा दिया और ये ऑप्शन जब आंसर की आई आपकी तो उसमें इस आंसर को नहीं दिया गया, यानी ये गलत दिखा दिया, लेकिन उसके बाद आपकी रिवाइज आंसर की आई तो आपको इसके भी मार्क्स की संभावना जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो इन केस क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल एरर फुल मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव फॉर फैक्ट हु हैव अटेम्प्टेड इट ऑर नॉट। तो भाई टेक्निकल एरर पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ भाई आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो मार्किंग स्कीम आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी, तो आ चुकी है। तो फटाफट से आप क्या करिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसे सेल्फ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये मार्किंग स्कीम है। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने बात करी है इसके बारे में, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि CUT PG की मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। ये PG के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, PG की मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो देख लीजिए, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।